हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, IBPS क्लर्क के जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुके हैं। वो आपका 3 और 4 सितंबर को आपके एग्ज़ाम हुए थे और फाइनली वो अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो बहुत से कैंडिडेट का एक ही सवाल है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ अटैम्प्ट कितने हैं, हो सकते हैं हमारे, हमने अटैम्प्ट कम हुए हैं तो हमारी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, कट ऑफ लो जाएगी या हाई जाएगी, वैकेंसी का जो इम्पैक्ट है कट ऑफ पर क्या पड़ने वाला है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और एग्ज़ाम लेवल आपका टफ था या मॉडरेट था। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए आपके, उसके बाद पेपर एग्ज़ाम का आपका लेवल क्या था, कि पेपर का एग्ज़ाम लेवल आपका क्या था, और आपके जो अटैम्प्ट कम हुए हैं उनके अंदर अगर आपकी एक्यूरेसी है तो कहाँ तक आपके जो कम अटैम्प्ट हुए हैं वो सेफ अटैम्प्ट हैं या नहीं है, वो उन सब चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा था। तो आपका जो एग्ज़ाम लेवल था वो जिस तरीके का आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था उसी बेस पर, उसी पैटर्न पर आपका इस साल वाला भी जो एग्ज़ाम है वो हुआ था। कुछ शिफ्ट के अंदर जो है क्वांट को इन्होंने लेंथी किया, कुछ शिफ्ट में इंग्लिश को थोड़ा सा मॉडरेट किया, कुछ शिफ्ट में इसने रीजनिंग को ट्रिकी किया। बाकी अगर ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम लेवल जो था वो ईजी टू मॉडरेट ही था। और ईजी टू मॉडरेट के अंदर जो आपके एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हो पाए हैं वो 75+ ही अटैम्प्ट आपके सेफ अटैम्प्ट हैं, अगर आपने इसके अंदर हाई एक्यूरेसी मेंटेन की है। तो हाई एक्यूरेसी से मतलब आपका 95+ अगर आपकी एक्यूरेसी है तो कहीं ना कहीं आप मेंस में लग जाइए। अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने कम अटैम्प्ट किए हैं, कम अटैम्प्ट वाले अगर कैटेगरी से हैं, जैसे कि अगर कैटेगरी में आपने 65 अटैम्प्ट किए हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है। और वहीं अगर कैटेगरी से अलग UR के अंदर भी कैंडिडेट ने 65 अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी जो है उसकी 100% है तो नॉर्मलाइजेशन जो लगेगा उसके बाद हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं और आप कट ऑफ क्लियर कर दें, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा हैं। बहुत से स्टेट्स के अंदर प्रीवियस ईयर के मुकाबले कट ऑफ कम ज़्यादा होगी, क्योंकि वैकेंसी में जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चीज़ें देखने के लिए मिली। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हुई है और किस प्रकार से डिक्रीज हुई है स्टेट्स के अंदर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी थी 2021 की वैकेंसी पहले लिखी है और 2022 की वैकेंसी जो है बाद में लिखी है। 2022 की वैकेंसी अभी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं और कट ऑफ आपकी यहाँ पर 2021 की लिखी हुई है। तो 2022 की जो कट ऑफ है वो ये UR की कट ऑफ है, मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पिछली बार 387 वैकेंसी थी, 387, और अब इसमें 209 वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है। ऐसे ही असम में आपकी वैकेंसी जो है डिक्रीज़ हुई हैं, बिहार में वैकेंसी जो है डिक्रीज़ हुई हैं। अभी तक ये वैकेंसी अब तक हैं क्योंकि बहुत से बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है अपनी वैकेंसी को, ये इंक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये अभी तक के नोटिस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जो है वैकेंसी डिक्रीज़ हुई हैं, गुजरात में वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है, हरियाणा में और आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, झारखंड में वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है, कर्नाटक में
डिक्रीज हुई हैं, केरला में आपकी डिक्रीज हुई हैं, महाराष्ट्र में आपका डिक्रीज हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट ने इन स्टेटों से फॉर्म फिल किया है जिनमें जो वैकेंसी हैं वो डिक्रीज हुई हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कट ऑफ पर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं, उड़ीसा की बात करते हैं तो वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं। अभी तक अगर हम ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी स्टेट में वैकेंसी जो है डिक्रीज हुई हैं, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल जो वैकेंसी आएंगी वो आपकी वैकेंसी जो है इंक्रीज हो जाएंगी कंपेयर टू इस चार्ट के, जो ये चार्ट मैं दिखा रहा हूँ इससे वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो कट ऑफ पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ आपकी जो है लो जाएगी या फिर हाई जाएगी? देखिए लो का तो कोई मतलब बनता नहीं है, लो का अगर आप चाहें कि 100 में से आपकी जो कट ऑफ है वो 60 चली जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ मैं स्पेशली किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूआर की बात कर रहा हूँ। तो आप यूआर से अपनी कट ऑफ को कैलकुलेट कर लीजिएगा, दो चार नंबर ऊपर या नीचे प्लस माइनस 3 करके आप चल सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 71 गई थी यूआर की, तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 70 के अराउंड ही आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। असम की अगर बात करता हूँ तो असम में आपका 68 है, तो यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है वो 70 के अराउंड आ सकती है। इसी प्रकार से जो भी ये कट ऑफ आपकी लिखी हुई हैं उनमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, उतनी ही कट ऑफ इस बार भी रहने वाली है यूआर के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इस साइड चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली, तो इसके अंदर वैकेंसी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इस बार वैकेंसी, तो कट ऑफ आपकी हो सकता है कि यहाँ पर प्लस माइनस 3 हो जाए दिल्ली के अंदर। यूपी के अंदर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम सी वैकेंसी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 75 के अराउंड जा सकती है। बाकी इन सभी स्टेट से अगर आपने फिल किया है तो आप ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं और इसके अंदर आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं। उसके इस बार की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा हैं और भी जो वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो आप कट ऑफ पर इसका जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा वैकेंसी होगी तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ओवरऑल अगर इन सभी स्टेट्स की बात करें और इनकी कट ऑफ को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ से प्रीवियस ईयर से प्लस माइनस 3 अगर करते हैं तो यूआर की कट ऑफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद आप ओबीसी, एससी और एसटी की कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी जो है इंक्रीज़ होती है तो कट ऑफ आपकी जाहिर सी बात है 2 या 3 नंबर जो है डाउन हो जाएगी। अगर आपकी वैकेंसी इतनी ही रहती है तो आपकी जो कट ऑफ है वो सेम भी जा सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, अपनी कट ऑफ एनालाइज कीजिएगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती थी मॉक टेस्ट के अंदर और वहाँ पर एग्ज़ाम में आपके कितने अटैम्प्ट हुए, उस बेस पर आप अपनी कट ऑफ जो है खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो को अगर देखेंगे दोबारा तो आप पाएंगे कि जो आपकी कट ऑफ है वो इसी के अराउंड जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।